हाय गाइस, आज की वीडियो बहुत अलग होने वाली है क्योंकि मैं दिल्ली में लोधी गार्डन जाकर इन फोन से फोटोज खींचने वाला हूं। ये है वीवो के लेटेस्ट फोन वी सीरीज से, ये वीवो V30 है और ये वीवो V30 प्रो। और पता है इस बार खास बात ये है कि जो वीवो V30 प्रो है इसमें ज़ायस आया है, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज से पहले वीवो जो है सिर्फ अपने महंगे फोन जो X सीरीज के होते थे सिर्फ उसी में ज़ायस के साथ कोलैबोरेट करके फोन्स लेकर आता था। वी सीरीज में सब कुछ आ रहा है, मैं एक्साइटेड हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। खैर बॉक्स एक साथ दोनों ओपन करते हैं। खैर मैं ये भी बता दूँ, ये वीडियो जो है वीवो के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है। खैर सबसे पहले प्रो वाले फोन को देखेंगे, वीवो V30 प्रो कैसा दिखता है। वैसे मेरे पास ये अंडमान ब्लू कलर में आया है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एंड नो डाउट यार, फर्स्ट इंप्रेशन में तो मुझे जो ये इफेक्ट आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये जो स्क्वायर आप देख रहे हो स्मार्ट ओरा लाइट है, इसका बहुत यूज है। और V30 की बात करो तो मेरे पास ये पीक ऑफ ग्रीन कलर में आया है और ये जो है ना कलर चेंज भी करता है, जैसे ही फोन सनलाइट में जाएगा इसका कलर चेंज होगा। खैर यहाँ पर भी स्मार्ट ओरा लाइट मिलती है। और बॉक्स कॉन्टेंट की बात करो तो दोनों फोन में सिमिलर चीजें मिलती है, जैसे कि केस है यहाँ पर। बाकी दोनों ही फोन जो है 80 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ आते हैं और साथ में टाइप ए टू टाइप सी केबल है। देखो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कैमरे के लिए फेमस है वी सीरीज, और इसके पीछे सिंपल रीजन भी है, इसका जो कैमरा सेटअप है ना वो 50+50+50 मेगापिक्सल का है। इनफैक्ट सेल्फी कैमरा तक इस फोन में 50 मेगापिक्सल का मिलता है। और ये जितने भी कैमरा है ये ज़ायस ऑप्टिक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। फिर इस फोन का कैमरा सिर्फ स्टूडियो में टेस्ट नहीं हो सकता, अब बेटर टेस्टिंग के लिए मैंने कोलैबोरेट करा फ्रेम्स बाय अंकित के साथ जो कि बहुत अच्छे फोटोग्राफर है। तो इसी नोट पे सीधा लोधी गार्डन चलते हैं और रियल लाइफ टेस्टिंग करते हैं बिल्कुल फील्ड पे। तो अंकित भाई आ चुके हैं भाई। थैंक यू संचित फॉर हैविंग मी इन द वीडियो। इनफैक्ट ये जो लोकेशन है लोधी गार्डन, यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स रहते हैं, बहुत अच्छे लाइक यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सीन मिल जाते हैं। और क्योंकि जो है वीवो V30 प्रो के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट ज़ायस स्टाइल पोर्ट्रेट मिल जाते हैं, तो हम सबका एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस अब सिने फ्लेयर स्टाइल से हम फोटोज खींचने वाले हैं और यहाँ पर एक लाइट सोर्स है सन। हम कोशिश करेंगे इजी से फ्लेयर जो है जनरेट हो और हमारी पिक्चर है। अपना अंकित भाई अपने फोन से कैप्चर करने वाले हैं, अब मैं अपने वाले से। हम एक एक सब्जेक्ट पकड़ लेते भाई, एक एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। और सीने फ्लेयर के लिए जो जस्ट टू ऐड कि जो सिंगल लाइट सोर्स जो बताया, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें देखना है ना कि और ज्यादा लाइट सोर्सेज ना हो, बहुत बार हमारा ध्यान नहीं जाता कि और भी बहुत सारे लाइट पीछे आ रहे हैं, तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट। तभी अगर बेस्ट रिजल्ट्स लाने तो हमें वो देखना होगा। तो मैंने पलक को रेडी कर लिया है और यहाँ पर जो है सन है, एक और कैप्चर कर लेते हैं और देखते कैसा सिने फ्लेयर आया है। मैं क्लिक करूंगा निकिता की फोटो, निकिता की पोर्ट्रेट इन सिने फ्लेयर स्टाइल, सो वॉच आउट। तो मैंने भी एक सैंपल ले लिया, अब मैं जरा अंकित भाई का सैंपल देखता हूँ और अंकित भाई आप मेरा सैंपल जरा जज कर सकते हो कैसा है। वैसे नो डाउट आपका जो एस्थेटिक है या फिर जो फ्रेमिंग है वो फैंटास्टिक है यार। थैंक यू, पर नहीं फैंटास्टिक शॉट्स योर्स एज़ वेल। ये फ्लेयर बहुत अच्छे से आया इसमें, जो इफेक्ट आना चाहिए सिने फ्लेयर वो बहुत अच्छे से इसमें हाईलाइट होकर आ रहा है एंड व्हिच इज गिविंग अ वेरी गुड ड्रामेटिक इफेक्ट। इनफैक्ट इससे पता लग रहा है जो अंकित भाई ने फोटो खींची है कि अगर फ्रेमिंग राइट हो और आपने सही तरीके से एक्सपोज किया हो तो बहुत ड्रामेटिक फोटो भी आ सकती है, जो मेरे को ये एग्जाम्पल के साथ लगा, बहुत फैंटास्टिक फोटोज आती है इससे भी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बायोटार स्टाइल का लेने वाले हैं, जो कि बहुत ड्रामेटिक फोटो कैप्चर कर सकता है अगर सही फ्रेमिंग की जाए और सही जगह पे ये फोटो खींची जाए तो। मतलब पूरा स्वर्ली जो बोकी आता है वो मेरे हिसाब से बहुत सही लगता है। और बायोटार मोड सबसे ज्यादा अच्छा वर्क करता है जहाँ पे भी लीव्स ग्रीनरी वाला एरिया हो और आपके लाइट जो है बैकग्राउंड में आ रहा हो सनलाइट। तो जैसे कि ये एरिया हम दिखाएंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा पीछे से एक सनलाइट आ रहा है और सामने पत्ते हैं, तो उसके बीच में आपका इफेक्ट अच्छा होगा। तो इसी सीन में हम एक एक फोटो खींचते हैं, फिर आप लोग को भी समझ में आएगा एग्जैक्टली हम क्या कह रहे हैं कि वो स्वर्ली बोके है क्या। तो मैं यहाँ पर कैप्चर कर देता हूँ, मैंने f2.8 रखा है और एक जरा f नंबर कम के साथ भी खींचता हूँ। आई थिंक बहुत अच्छा आउटपुट आएगा क्योंकि फ्रेमिंग भी राइट है। मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ और इसके लिए फ्रेमिंग जो है मैं थोड़ा नीचे से करूंगा ताकि बोके मेरे अच्छे से आ जाए। ये देखो बोके इसमें कितना अच्छा है, ये स्वर्ली इफेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये आया है इसके पूरे चारों तरफ से, ये लग रहा है कि इसमें कन्वर्ज हो रहा है। वैसे मैं अंकित भाई को बता रहा था कि नो डाउट जब इसको सही तरीके से यूज लिया इस स्टाइल का तब बहुत अच्छा लग रहा है वो स्वर्ली बोके। अच्छा है, आपकी अच्छा मैंने है। फोटो देखी हाँ। आपने तो बहुत मस्त फोटो खींची है भाई ऑब्वियसली, बट हाँ आई थिंक मेरी बुरी नहीं है नहीं ये बहुत अच्छी है, बोके काफी अच्छा। ये स्वर्ली इफेक्ट है ना ये काफी ड्रामेटिक इसको बना रहा है, जो मतलब रेगुलर पोर्ट्रेट जब क्लिक करते हैं उससे ज्यादा स्टैंड आउट करा रहा है, सो मेनली जो होना चाहिए। तो गाइज अब जो है ना नेक्स्ट हम सोनार में फोटो खींचने वाले, ये भी एक स्टाइल है। अब इसका फायदा पता क्या है, अगर स्काईलाइन है बैकग्राउंड में या फिर लेस डिस्ट्रैक्टिंग चीजें है या फिर माउंटेन है कोई मॉन्यूमेंट है, अगर वो बैकग्राउंड में है ना तो ये बहुत डिफरेंट फोटो ला सकता है स्टाइल के अंदर। और इसके लिए सोनार मोड के लिए जो बेस्ट लोकेशन रहेगा वो मैं दिखाता हूँ। ये इधर बैकग्राउंड है, यहाँ पे बिल्कुल दूर तक स्काई लाइन दिख रहा है, मॉन्यूमेंट है, तो ये परफेक्ट लोकेशन है सोनार मोड यूज करने के लिए। इन शॉर्ट हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा होगा, हम फोटो खींचते हैं। तो अंकित भाई मेरी फोटो खींच रहे हैं,
तो मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ भाई, काफ़ी अच्छी फोटो आई है और जो आप भी सैंपल देख रहे हो स्क्रीन पे, अगर देखोगे तो सब्जेक्ट जो है ना बहुत स्टैंड आउट हो रहा है एंड नो डाउट जितना लाइक दूर होगा, मतलब बैकग्राउंड जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी बेटर फोटो ये आएगी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ना हम प्लेनार का लेने वाले हैं। अब इसमें क्या रहता है ना कि जो भी बोके आएगा और उसमें पीछे लाइट सोर्स जितने भी होंगे वो ओवल शेप के आएंगे, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट लुक देता है यूजुअल से। और इसमें मल्टीपल लाइट सोर्स बैकग्राउंड पे रहने से बेटर पोर्ट्रेट्स आते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, इधर अगर आप देखेंगे ये पत्तों के बीच से मल्टीपल लाइट पॉइंट्स बन रहे हैं जो पीछे से सनलाइट आ रहा है, तो इसमें हम अभी जब ट्राई करेंगे और इसमें इलिप्टिकल बुके बनता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल जितने भी लाइट सोर्स यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये जो है ओवल शेप या फिर इलिप्टिकल शेप के आएंगे। अब जैसे कि आप लोग आउटपुट देखो, जो बैकग्राउंड है वो बहुत डिफरेंट लग रहा है। इनफैक्ट वो जो बुके आ रहे हैं, जो लाइट वगैरह इलिप्टिकल शेप की आई है, वो डिफरेंट लुक देती है। अब नेक्स्ट ना डिस्टगन की बात करने वाले हम। जैसे कि प्लेनार में क्या था, हमें जो है डिफरेंट बुके मिल रहा था, जैसे लाइट शेप्स जो है थोड़ी अलग शेप की आ रही थी। डिस्टगन में ना हेक्सागन शेप की यहाँ पर लाइट्स दिखेंगी जो कि फिर से एक यूनिक लुक ला कर देगा। इसमें बैकग्राउंड अगेन हम ले रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो सिमिलर बैकग्राउंड है, बट यहाँ पे अगेन फिर से ये काफ़ी सारे टाइनी लाइट स्पॉट्स बन रहे हैं पत्तों के बीच से, तो यहाँ पे हमारे हेक्सागन बुके बनेगा इससे। तो ये अगर आप ये देख रहे हो बुके जो आया है, ये हेक्सागन शेप में आए सारे बुके। गाइस नेक्स्ट जो है ना हम सिनेमैटिक मोड का यहाँ पर कैप्चर करने वाले हैं। उस मोड के अंदर ना बहुत ही ज्यादा डिफरेंट पर्सपेक्टिव की फोटो आती है। अब जैसे हम कैप्चर करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। ये बैकग्राउंड है, यहाँ पे भी मैं अभी सिनेमैटिक मोड में अभी पिक्चर क्लिक करूंगा संचित की। इसमें जो सिनेमैटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सिनेमा में जो एस्पेक्ट रेशियो यूज होता है, ये वो एस्पेक्ट रेशियो है। तब के जो फोटोज हैं इसमें हॉरिजॉन्टल मोड में क्लिक करने होते हैं, नॉट इन वर्टिकल, बिकॉज सिनेमा इज इन हॉरिजॉन्टल मोड। में एक और बहुत फैंटास्टिक फ्रेम मिला है जहाँ पर बहुत सारे कलर्स है, फ्लावर्स है, तो हम यहाँ पर पार्थ की फोटो खींच रहे हैं, देखते हैं एग्जैक्टली में कैसा आउटपुट आता है। अब फाइनल आउटपुट देखो यार, 2.39:1 का एस्पेक्ट रेशियो रहता है इसका, इसलिए इसको सिनेमैटिक मोड बोल देते हैं, क्योंकि नो डाउट जो एक तरीके से एस्पेक्ट रेशियो आता है और जो फ्रेमिंग लगती है वो काफी सिनेमैटिक फील देती है। इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर फोटो है, अगर आप इसमें देखोगे बोके वाली जगह पे काफी लाइक डिफरेंट तरीके का बोके आ रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेच्ड भी फील हो रहा है, तो वो एक अलग फील देता है। और अब स्मार्ट ऑरा लाइट को भी थोड़ा एड्रेस कर लेते हैं भाई। देखो नाइट मोड हम यूजुअली फोन्स में देखते हैं, बट ये जो स्मार्ट ऑरा लाइट है मैंने देखा है लो लाइट में ना काफी हेल्प करती है एक अच्छी पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर करने के लिए। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना साइड बाय साइड में फोटोज दिखाता हूँ। जैसे ही स्मार्ट ऑरा लाइट ऑन होती है ना, तो पूरा व्हाइट बैलेंस पूरे बैकग्राउंड के साथ इवन आउट हो जाता है और पूरे सब्जेक्ट के ऊपर लाइट आ जाती है। इन शॉर्ट काफी नेचुरल लुकिंग बना देता है फोटो, जो कि अच्छी बात है। और थोड़ा सा मूड अगर शिफ्ट करे, अगर मैं कैजुअल फोटोग्राफी के बारे में बात करूँ लाइक हियर एंड देयर कैसी फोटोज ही लेता है, तो मेन कैमरा मेरे हिसाब से डिटेल्स काफी अच्छी लेकर आ रहा है, जो ओवरऑल प्रोसेसिंग है वो काफी मैच्योर लग रही है और कलर्स भी रियलिस्टिक रख रहा है, जो कि अच्छा साइन होता है। और अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल यार इसको हेल्प करता है, क्योंकि यहां पर डिटेल्स एक्चुअली में आती है। इन शॉर्ट अल्ट्रा वाइड में भी गुड प्रोसेसिंग दी है मेन कैमरे की तरह। देखो टेक्निकली देखा जाए ना, सिर्फ कैमरे की वजह से वीवो V30 प्रो जिस प्राइस सेगमेंट पे अवेलेबल है, ये एकदम यूनिक स्पॉट पे बैठा है, क्योंकि एंटायर 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप तो है ही। और इस फोन में जो ये 6 जाय स्टाइल पोर्ट्रेट मिलते हैं जो अलग अलग फोटोज ही लेकर आते हैं, अगर सही सिचुएशन में यूज किया जाए तो मेरे हिसाब से भाई इसका पोर्ट्रेट मोड भी बहुत ज्यादा यूनिक बोला जाएगा कंपटीशन के मुकाबले। बाकी इस फोन का जो प्रोसेसर है मेडिटेक डेम्बेसिटी 8200 एक डिसेंट प्रोसेसर बोला जाएगा। बाकी नो डाउट फोन का डिजाइन अच्छा बनाया यार वीवो ने, क्योंकि अगर बैक साइड से भी दिखाऊं और फ्रंट से भी दोनों साइड जो है कर्व फिनिश मिल रही है ना, ये एक प्रीमियम टच देता है इस फोन को। और इंटरेस्टिंग पॉइंट पता क्या है, फोन बहुत स्लिम है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है इस फोन के अंदर। बाकी डिस्प्ले भी अच्छी है यार, 6.78 इंचेस की एक AMOLED डिस्प्ले है जो कि 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। बाकी जो 2800 nits की पीक ब्राइटनेस इस फोन में वो भी अच्छी बोली जाएगी। तो कंक्लूजन मेरी तरफ से बड़ा सिंपल सा है, अगर आप एक रिलायबल और एक अच्छा कैमरा फोन ढूंढ रहे हो, मेरे हिसाब से आपको Vivo V30 Pro देखना चाहिए। और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, जो ज़ाय स्टाइल पोर्ट्रेट है नो डाउट यूनिक रिजल्ट्स लेकर आते हैं, और जो ओवरऑल कैमरा सेटअप भी है मेरे को एक्चुअली में पसंद आया, एक अच्छा कैमरा फोन है ये। और प्राइस की बात करूं तो Vivo V30 Pro का प्राइस है 42,000 रुपीस और 4200 का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि इस फोन को 37,800 रुपीस पे लिया आता है। तो अगर आप डिस्काउंट यूज करना चाहो तो ये भी एक ऑप्शन है। अब आप बताओ आपको कैसा लगा इस फोन का कैमरा, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बाकी स्टिल को कंफ्यूजन है तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं हैंडल यहां लिख दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बर आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।